फाइनेंस लाना हो तो उसके दो तरीके थे, एक तो डेब फाइनेंसिंग जो हमने अब तक समझा है, अब बात करते हैं ये इक्विटी फाइनेंस के अंदर कि आईपीओ चीज क्या है, पब्लिक इशू, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग मेथड और बहुत सारी बातें करनी है। जो हमने देखा था कि मुझे कुछ मशीनरी खरीदनी थी, इस तरफ वाले जो थे क्रेडिटर्स बराबर, उनको हमने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दिए थे वगैरह, जब कंपनी खड़े में जाएगी तो लिक्विडेशन के वक्त इनको सबसे पहले क्लेम दिया जाएगा वगैरह, ये बातें हमारी पूरी हुई डेट मार्केट और क्रेडिटर्स वगैरह की। अब इस तरफ फोकस करें ये शेयर होल्डर्स के बारे में, शेयर होल्डर्स के अंदर क्या होता है। मुझे यहां पे देखिए हमने क्या देखा था कि 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं अगर 10 रुपए का एक ऐसा 1 लाख शेयर बनवा दूं बराबर, तो ये शेयर होल्डिंग कितनी होगी, 100%। आपने जितना खरीदा उतने आप परसेंटेज शेयर होल्डिंग के हिसाब से आ जाएंगे, और जबकि भी मुझे प्रॉफिट होगा कंपनी को तो उसके अंदर से आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, जितना आपका शेयर होल्डिंग है उस अनुपात में आपको मिलेगा। इसके क्या एग्जाम्पल है, आईपीओ, शेयर, वेंचर कैपिटल फंड। देखिए आईपीओ कब होता है, सबसे पहले कोई बड़ी कंपनी आईपीओ इशू करे तो ये होगा कि फेसबुक या अलीबाबा ने आईपीओ इशू किया तो सब लोग खरीद लेंगे और उनको फाइनेंसिंग मिल गया। मेरी कोई नई स्टार्टअप कंपनी है तो मैं आईपीओ इशू भी करूं तो मेरे सारे शेयर बिकेंगे नहीं, कई केस में तो अंडरराइटर भी ये बोल देगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर ये वेंचर कैपिटल फंड वाले आ जाएंगे कि ठीक है भाई आप आईपीओ तो इशू करो, जितने नहीं बेचते हैं हम कुछ देख लेंगे, लेकिन उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे इतने आदमी रहने चाहिए, आप जो माल प्रोक्योर करें तो इस वाली एजेंसी से लीजिएगा क्योंकि हमारा टाइप है वगैरह करके। तो इस प्रकार से स्टार्टअप कंपनियों को जो इक्विटी फाइनेंस करते हैं इसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। एंड देयर इज आल्सो एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऐसा कोई रिच इंडिविजुअल जिसे किसी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट के अंदर मजा आ जाए, उसे कोई फेद हो, जैसे एप्पल के अंदर स्टीव जॉब्स के ऊपर कोई एंजल इन्वेस्टर था जिसने उसे बहुत सारा पैसा दे दिया और आप करो जो प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना दे देना। तो इस प्रकार के ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये सारे क्या एग्जांपल्स रहे इक्विटी फाइनेंस के, ये लोग कंपनी के ओनर्स या फिर प्रोप्राइटर्स कहे जाएंगे। अब ओनर बनने का फायदा है कि जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो बड़ा डिविडेंड देंगे, तो नुकसान भी है, अगर कंपनी खड्डे में गई तो लिक्विडेशन के वक्त आपका क्लेम सबसे अंत में रहेगा। तो मान लीजिए सब कुछ बेच बाज के अगर 1 रुपया ही हाथ में आया तो उसमें से आपको 80 पैसा ही मिलेगा, इवन इफ यू परचेज द शेयर फॉर 100 रुपीज के 1000 रुपीज बराबर। दूसरी जो फर्क करना हो, अगर आपने कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो उसके ऊपर आपको मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट, तो एक प्रकार से आपकी हुई इनकम, और इसके ऊपर जो भी टैक्स भरना है वो आपने भरना है, समझे। मेरी कंपनी का आपने बॉन्ड खरीदा था और मैंने आपको इंटरेस्ट या ब्याज दे दिया तो फिर वो आप अपनी तरफ से सरकार को जाके भरोगे। जहां तक इक्विटीज की बात है, इक्विटीज शेयर खरीद लिया है उस पे मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूं तो उसके ऊपर टैक्स काट के मैंने ही सरकार को भर देना है। मान लीजिए 100 रुपए आपको डिविडेंड में मुझे देने हैं और सरकार ने बोला है कि डिविडेंड टैक्स 10% रहेगा, तो मतलब 10 रुपए मैं सरकार को दूंगा और आपको केवल दूंगा 90 रुपीज। इन दोनों केस में ये तो है डायरेक्ट टैक्स ही, लेकिन कौन भरता है वो जरा डिफर हो गया, ये आपके ही सर पे है असल में तो, समझे, लेकिन मैं काट के ही आपको पैसा दूंगा। दूसरी और बात है कि कौन सा मार्केट ज्यादा एक्टिव है या चहल पहल अगर डेब्ट मार्केट में है या इक्विटी मार्केट में है, उस हिसाब से अपने को पता चलेगा कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। जब इकोनॉमी के अंदर मंदी, स्लो डाउन ऐसा चल रहा हो तो स्वाभाविक है कंपनियों को मुनाफा कम होगा, डिविडेंड पे कम डिक्लेयर किया जाएगा और आपको मजा नहीं आएगा। तो ज्यादातर इन्वेस्टर ये करेंगे कि इक्विटी शेयर वगैरह बेच के वो बॉन्ड खरीदना शुरू करेंगे। तो मतलब जब बॉन्ड मार्केट या डेब्ट मार्केट एक्टिव हो जाए तो आप उससे एक प्रकार से अंदाजा मिलता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है। उससे विपरीत अगर बूमिंग पीरियड चल रहा हो तो स्वाभाविक है कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा, डिविडेंड बड़ा मिलेगा। इस आशा से जो लोग बॉन्ड के अंदर खरीदी कर रहे थे वो अपने बॉन्ड बेच बाज के आ जाएंगे शेयर खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको एक्टिविटी मिलेगी। जब भी इंटरव्यू में या बोल रहे हो या मुख्य परीक्षा में लिख रहे हो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर वगैरह पे जो मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। बात तो एक ही है, लेकिन जब आप अगर बोलने में गलती कर दे तो इंटरव्यू पैनल के अंदर जो लोग रहते हैं, जितना आदमी बूढ़ा होता है उसकी, फिर आप अगर बोले कि बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड फिक्स रहता है, तो फिर उसे तो ऐसा लगता है कि किसी ने खत्म कर दिया। आप बाहर आके फिर होशियारी मारे कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन वो अपने दिमाग में सोचता है कि इसको कुछ आता नहीं है, पर आप जब इंटरव्यू के मार्क्स आए तो पता चल जाएगा। कई पैनल वाले ये होते हैं कि आप ऐसा गलत भी बोले तो वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मार्क्स के अंदर पूरा वो काट के रख देंगे। कुछ इंटरव्यूअर ज्यादा सनकी होते हैं तो वो हर एक बात पे आपको टोकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है,
और फिर उस कारण जो इंटरव्यू एक स्ट्रेस इंटरव्यू बन जाता है, और उसके कारण जब आसान भी सवाल निकले तो आपका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगता है। तो इकोनॉमी के अंदर जब भी बात करो स्पेसिफिक पता हो तो ही बोलो, अदरवाइज ये बोल देना चाहिए कि बॉन्ड के अंदर रिटर्न अपना फिक्स रहता है, इक्विटी के अंदर या शेयर के अंदर रिटर्न, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड में कंफ्यूज हो जाओ तो रिटर्न अच्छा रहता है खराब रहता है ऐसा बोल के चलो। अभी आईपीओ शेयर इनकी कुछ बातें करेंगे। शेयर की दो कीमतें रहती है, एक रहती है पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, मतलब जो कागज का टुकड़ा उसके ऊपर ही लिख के दिया हो कि ये 10 रुपए का है 100 रुपए का है। सेबी ने 1999 में ये बोला कि फेस वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो, मतलब 1 रुपए का हो सकता है, 2, 3, 5, 8 जो भी रखना हो, लेकिन 1.5 रुपए का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। अब शर्त ये है कि जब आईपीओ आप इश्यू करें और उसके अंदर मेरे हर एक शेयर की कीमत हो 10 रुपए फेस वैल्यू, तो मुझे मैं उसको उससे कम कीमत में उस वक्त नहीं बेच सकता। मैं आईपीओ के वक्त अपने फेस वैल्यू से डिस्काउंट में वो नहीं बेच सकता। हमने देखा ट्रेजरी बिल वगैरह में तो डिस्काउंट में चलता है, यहां ये बात नहीं चलेगी। सेकंड थिंग रहती है प्रीमियम वैल्यू। मान लीजिए ये 10 रुपए का शेयर पार वैल्यू वाला शेयर 40 रुपए में बिक रहा है, तो क्या होगा, ये 40 रुपए कैसे बने, उसकी कुछ फेस वैल्यू है और उसके ऊपर कुछ प्रीमियम जा रहा है, 10 रुपए की फेस वैल्यू और प्रीमियम 30, कुल मिला के हो गए 40। तो इस प्रकार से प्रीमियम वैल्यू में आके जाके ये बिकेगा अगर लोगों को भरोसा है और मजा आ रहा है। आईपीओ इश्यू वगैरह की बात करें, कोई कंपनी है उसके एक प्रमोटर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक, तो राणा कपूर, किंग फिशर, विजय माल्या, इनको अब इक्विटी फाइनेंस के जरिए कुछ पैसा निकालना है मार्केट से, तो क्या करना पड़ेगा, शेयर छाप के बेचने हैं। तो जब फर्स्ट टाइम में किया जाएगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसा अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते, सबसे पहले सेबी को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। इस प्रोस्पेक्टर के अंदर कि हमारे ये कुछ प्रमोटर्स हैं, हमारा ये फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड था, हमारा ये बिजनेस प्लान रहेगा, कंपनी ऑफिस का ये एड्रेस है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स रहती है केवल दो को छोड़ के। एक कि भाई ये आईपीओ हम कौन सी डेट पे इशू करेंगे और दूसरा कि इस आईपीओ का प्राइस क्या होगा, ये दो मैटर उसके अंदर लिखी नहीं होती, इस कारण इसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब सेबी इसको अप्रूव कर दे तो फिर इनको परमिशन है, हाँ आप आगे बढ़ो। अब प्रमोटर कोई खुद घर के प्रिंटर में शेयर छाप के मैं करूं पूरा काम, नॉट पॉसिबल। उसके लिए वो कोई आदमी रखता है कि भाई आप ये पूरे शेयर छापने हैं, अर्जियां मंगवाइए, फिर ये अलॉटमेंट करिए, जिनको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है उन सबको पैसे वापस करिए, पूरा रिकॉर्ड बनाइएगा। तो इस प्रकार के जो बीच में मिडलमैन या एजेंट आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं अंडरराइटर। ये पूरी जिम्मेदारी लेता है, और साथ ही साथ कि आईपीओ के अंदर अगर आपके कुछ शेयर नहीं भी बिकेंगे तो कोई टेंशन नहीं, उतने शेयर मैं खरीद लूंगा, लेकिन ये कोई धर्मदान नहीं चल रहा है, इसका बीच में पूरा कमीशन रहता है। तो इस प्रकार से आपने अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया, वो फिर जाके पब्लिक इशू करेगा, और बड़ा न्यूज़पेपर टाइप का आपने वो देखा होगा आईपीओ के फॉर्म्स वगैरह, आप उसे खरीदेंगे और फिर गेम आगे बढ़ेगा। ये जो अंडरराइटिंग का काम करते हैं उनको अमेरिका में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, और इंग्लैंड के अंदर इनको ही बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स, काम तो उनका भी यही है बराबर। अब ये आईपीओ बेचा जाएगा तो उसकी कीमत क्या रखोगे, एमसीक्यू के अंदर तो ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू में फॉलोअप क्वेश्चन एक के बाद एक निकलते हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा रहना चाहिए। आईपीओ तो बराबर इशू करोगे लेकिन उसकी कीमत क्या और कैसे तय करोगे, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड, कि मान लो मैं 1 लाख शेयर छपवा दूं और ये बोलूं कि उसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपए, हर एक शेयर के ऊपर लिख दिया मैंने 10 रुपए 10 रुपए, तो किर मिल, और उसके ऊपर मैं ये बोलूं कि मुझे उसे 15 रुपए के प्रीमियम पे बेचना है, तो क्या होगा फाइनल प्राइस 10 + 15 = 25 रुपीज, और ऐसा एक शेयर नहीं है कुल मिला के 1 लाख है, तो तब न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनेगी कि ये 25 लाख का आईपीओ बाजार में आया है बराबर। ये हुई अपनी फिक्स प्राइसिंग मेथड। सेकंड इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग में भी मैं ये करूंगा, 1 लाख शेयर हम छपवाने वाले हैं, प्राइस वगैरह अभी तय नहीं किया है, मैं ये कहूंगा कि मुझे 1 लाख शेयर अलॉट करने हैं, आप सब लोग आ जाओ और अर्जी करो कि कितने शेयर कौन से दाम पे आपने खरीदे हैं। आप में से कुछ लोग आएंगे कि भाई मुझे 10,000 शेयर बुक करवाने हैं और हर एक शेयर के मैं आपको 500 रुपए देने को तैयार हूँ। कुछ और लोग आएंगे कि हम 50,000 शेयर बुक करवाते हैं और हर एक के 200 रुपए देंगे। ऐसा करते करते मान लीजिए और आगे बढ़े, कुछ 40,000 बुक करवाते हैं 125 रुपए में, और फिर कोई ऐसे भी होंगे कि हमको केवल 5,000 शेयर चाहिए, 100 रुपए देंगे एक शेयर के। इस प्रकार से लास्ट डेट जब खत्म हो जाए तो फिर एक टेबल बनाएंगे हम कि कितने शेयर बुक हुए और हर एक शेयर की क्या कीमत दी जाएगी।
डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बनाऊंगा प्राइस के 500, 200, 125, 100 इस प्रकार से, और सामने कितने बुक करवाए गए हैं। और उसके बाद क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं, 10,000 प्लस 50,000 कितने हुए 60,000, प्लस 40,000 कितने हुए 1,00,000, 60-40 1,00,000 रुपए, 1,00,000 शेयर बन गए बराबर। और यहां पे मुझे शेयर कितने इशू करने थे 1,00,000, तो इस कारण यहां पे उसके सामने जो प्राइस बना 125 हो जाएगा कट ऑफ प्राइस। तो मतलब कि 125 रुपए में जो खरीदना चाहते थे वो लोग और उसके ऊपर जितने बैठे हैं वो सभी लोग, उन सबको मैं 125 रुपए के दाम पे शेयर अलॉट करूंगा एंड मल्टीप्लाई दैट विद 1,00,000, तो फिर बनेगा कि इतने लाख का, इतने करोड़ का ये आईपीओ आया था। उसके नीचे वालों को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। क्या तो इस प्रकार से आईपीओ कुछ इश्यू किए जाते हैं। सेबी ने यहाँ पे भी कुछ नए रिफॉर्म्स लाए हैं। एक चीज जो चल रही है न्यूज में, ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, तो नाम से ही बेसिक तो क्लियर हो जाता है कि जो पेपर फॉर्मेट में आपसे अर्जियां वगैरह मंगवाते थे अब इलेक्ट्रॉनिक में करवाना है कुछ। क्यों? अभी जो ये चलता है पेपर फॉर्मेट में अर्जियां मंगाई और फिर आप उसके अंदर वो अपने चेक के जरिए पेमेंट करोगे तो फिर वो चेक क्लियर होगा और ये वो, तो कुल मिला के सेटलमेंट होने में 12 दिन लग जाते हैं, टी प्लस 12 जितना हो जाता है। अगर इसको फास्ट ट्रैक करना हो तो क्या करना चाहिए, सबसे अर्जी आप इलेक्ट्रॉनिकली मंगाओ और जो पैसा बुक करवाना है नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड इस प्रकार से बराबर। और आपके पास अगर खुद ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप किसी शेयर ब्रोकर के पास जाओ और वो जाके आपके बदले में ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देगा। तो ये पूरी सिस्टम हम परमिट करेंगे, ऐसा सेबी बोलती है, तो इसको बोला ई आईपीओ। और अगर आईपीओ अलॉट हो गया तो भी आपको ईमेल एसएमएस से अलर्ट मिल जाएगा, नहीं हुआ तो भी सॉरी योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, माल आपको मिल जाएगा। फायदे ये रहेंगे कि जो 12 दिनों का समय लगता है वो अब घट के केवल 2 या 3 दिन में ही आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो कंपनियों को बहुत जल्दी से और आसान दामों में फाइनेंस मिल गया और रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। अगर पेपर फॉर्म तो जहां मिलते हैं उतने ही लोग आएंगे, रिटेल अब तो छोटे गांव शहरों में भी अगर आप नेट से बुक करवा सकते हो तो आप करवाइए, रिटेल पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज। और इससे ये भी होगा कि कुछ जगहों पे आपको पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट भी मिले बराबर। तो जो पहले जो था कि गोल्ड और रियल एस्टेट का जो एक मोह था वो लोगों का थोड़ा कम हो और इस प्रकार से यहाँ पे गति करे, इकोनॉमी का कुछ भला हो जाए, ये भी बैकग्राउंड में कुछ रीजंस हैं। अब तक फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओनली परमिटेड फॉर द इक्विटी और ये शेयर वगैरह के लिए, जो अपना डेब्ट इंस्ट्रूमेंट था बॉन्ड वगैरह इशू करना है उसमें ये परमिट नहीं किया गया, लेकिन सेबी ये बोलती है कि आगे जाके हम वो भी करना चाहते हैं। कुछ और थोड़े मिसेलेनियस टर्म्स हम देख लें। कंपनी की रिटेन अर्निंग क्या होती है? मैंने कंपनी खोली, गुड्स एंड सर्विसेज कुछ बेच रहा हूं, रेवेन्यू आया। अब रेवेन्यू के अंदर से कुछ पैसा तो मुझे इंटरेस्ट के रूप में सबसे पहले दे देना है, ये डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, लोन में लाया हूं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंतर्गत कुछ लाया हूं, ये सारा पैसा मैंने दे देना है उनको, माइनस करो रेवेन्यू से। उसके बाद स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल, एक्सपेंडिचर, ये सारा रॉ मटेरियल का खर्चा, वो सब माइनस करो। उसके बाद जितने भी टैक्सेस लागू पड़ते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, जो भी, वो सब। अंत में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो। ये सब करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो कंपनी का रिजर्व या फिर कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगी। अब ऐसा नहीं है कि माइनस करने बैठे और अंत में अरे रिटेन अर्निंग हो गया, नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले सोच के ही करते हैं कि इन नंबर्स को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है ताकि कुछ रिटेन अर्निंग में मिल सके। अब इस रिटेन अर्निंग का हम क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है? एक तो वो ये कर सकते हैं कि आपके शेयर वापस खरीद ले, शेयर बायबैक प्रोग्राम शुरू करें, सेबी ने ऐसा परमिट किया है फ्रॉम 98। या तो ये कर सकती है कि कंपनी रिटेन अर्निंग का सारा पैसा किसी और कंपनी में लगा दे, कोई और सब्सिडियरी खोल दे, कोई और कंपनी अक्वायर करे, ये सारे खेल किए जा सकते हैं। थर्ड ये कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी के लिए ये रिटेन अर्निंग का कुछ एफडी वगैरह करवा दो और अगले साल जब डिविडेंड देना होगा तो ये सारा पैसा हम देंगे तो बड़ा डिविडेंड आपको बना के देंगे, ऐसा कोई ना कोई काम किया जा सकता है। बोनस शेयर चीज क्या है? बोनस शेयर नाम से ही कुछ मुफ्त में ऐसा मिल जाएगा। यहां पे सिस्टम ये रहती है, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और मैं ये ऑफर करूं कि मेरी कंपनी के अगर आपके पास एक शेयर है तो मैं दूसरे 2 शेयर छाप के आपको दूंगा, 1:2 के रेशियो में मैं आपको बोनस शेयर्स दे रहा हूं बराबर। अब इसमें आपका क्या फायदा है, ये शेयर आप जाके किसी तीसरी पार्टी को बेच दो तो आपको तुरंत पैसा रिकवर हो जाएगा, 100 रुपए 200 रुपए जो भी, तो इस प्रकार से ये बन गया बोनस शेयर। एक अलग रहता है प्रेफरेंशियल इश्यू या राइट्स इश्यू। तो राइट्स इश्यू चीज क्या है? बोनस शेयर तो हमने समझा कि मुफ्त में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन
कई केस में मुझे और पैसा चाहिए इक्विटी फाइनेंस के जरिए, तो क्या करना पड़ेगा, नए शेयर छापने पड़ेंगे और मैं बेचना शुरू करूँ। लेकिन उस केस में मैं अपने शेयर होल्डर्स को पहले बोलूँ कि भाई आपके पास इतने शेयर थे बराबर, मैंने ये और नए शेयर छापे हैं, और क्योंकि आप मेरी कंपनी के 10% शेयर होल्डर है तो ये जो मैंने नए छाप के रखे हैं उसके अंदर से 10% मैं आपको अलॉट करूंगा, मांगता है तो बोलो, पैसा देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं राइट्स इश्यू के अंदर दिए गए शेयर। अगर आपने ना कर दिया कि मुझे ये खरीदना नहीं है, तो फिर मैं जाके बाहर किसी थर्ड पार्टी को बोलूं कि आपको खरीदना है तो बोलो। इस कारण जब राइट्स इश्यू होगा तो हम उसको आईपीओ नहीं बोल सकते, समझे, उसको फॉलो अप ऑफर या ऐसा कुछ बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर ये नहीं है। मैंने पहले सबसे आपको सबसे पहले पूछा, बाद जाके उनको पूछा। अगर कुछ चार्ट के जरिए बड़ा पिक्चर देखना हो, घर जाके स्लाइड में आराम से देखिएगा, क्योंकि वैसे भी ये पीछे दिखेगा नहीं, बहुत स्मॉल मॉडल। जो भी इक्विटी फाइनेंस के अंदर जो इश्यू रहते हैं, इश्यू किए जाते हैं, समझे, कागज के टुकड़े या इलेक्ट्रॉनिक, एक तो रहता है पब्लिक इश्यू, सबसे पहली बार जो हम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, और उसके बाद और पैसा मांगता है और मैं और नए शेयर छापू तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो ये एक बात हुई पब्लिक इश्यू की। सेकंड इज राइट इश्यू, जो मैंने आपको बोला कि मैंने नए और सबसे पहले आपको बोला कि मांगता है तो बोलो, नहीं तो बाहर जाता हूं मैं। थर्ड इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को आप बोलो कि मैं इतना आपको दूंगा, प्रेफरेंशियल शेयर दिए जाए किसी को, आगे स्लाइड में देखेंगे, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, कुछ सिलेक्टेड बड़े ये जो एफआई वगैरह है उनको आप दे दे, तो इस प्रकार से ही चलेगा। खैर इतना डिटेल में तो कुछ जाने की जरूरत नहीं, हमने समझा इश्यू, पब्लिक इनिशियल रहता है और फॉलो अप में जाता है, और एक रहता है राइट्स में। सेबी ने इसके अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जो चर्चा में चलता रहता है, तो समझे। आईपीओ तो हमने देखा कि सबसे पहली बार मैं कुछ लॉन्च करूं शेयर और आप खरीदो, बराबर, और इस प्रकार से जब शेयर लॉन्च हो जाएंगे तो मेरी कंपनी वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। लिस्टेड कंपनी उसको बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट या एनएससी बीएससी के आगे आप खड़े रहो और वो जो नीचे बैनर में नाम चलते हैं, ये कंपनी वो कंपनी प्लस माइनस, तो उस प्रकार की कंपनी के रूप में मैं ऐड हो जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अब ऐसी लिस्टेड कंपनी आगे चल के नए शेयर इशू करे तो उसको हमने बोला फॉलो अप पब्लिक ऑफर। उसी प्रकार कुछ कंपनियों में या सरकारी पीएसयू के अंदर जो उनके मेन प्रमोटर हैं वो अपने कुछ शेयर बेचने को निकाले, देन ऑल्सो वन टाइप ऑफ एफपीओ वो चल रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ऐसे केस में उनको कुछ सुविधा हो जाए तो सेबी ने क्या बोला है कि ऐसे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कंपनी है जिनका वैल्यूएशन 250 करोड़ से ज्यादा है, वो अपना एफपीओ मुझसे आगे फिर से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिखाने की जरूरत नहीं, अपने मन मुताबिक अभी करो। ऐसा रिफॉर्म लाने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि अब सरकार फास्ट ट्रैक मोड में है, डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और हर एक वक्त फिर नया प्रोस्पेक्टस बना के सेबी को देना पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये फास्ट ट्रैक में किया गया है। प्रेफरेंशियल शेयर क्या चीज थी, बॉन्ड डिबेंचर तो मैंने बोला आपको कि लिक्विडेशन में आपको सबसे पहले क्लेम रहेगा, बराबर, और ऑर्डिनरी शेयर आपके पास रहेंगे तो आपका सबसे लास्ट क्लेम रहेगा। इन दोनों के बीच का अगर आपको कोई राइट हो, इस प्रकार के अगर आप शेयर होल्डर बने तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल शेयर, मतलब डिबेंचर होल्डर सबसे ऊपर, प्रेफरेंशियल, और अंत में होगा ऑर्डिनरी शेयर। अब इसके भी अंदर सब टाइप रहते हैं, वोटिंग मिलेगा कि नहीं, नॉन वोटिंग मिलेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी एक बैंक के अंदर ये बोला है कि एफडीआई इतने परसेंट ही होगी और बैंक को उससे ज्यादा कैपिटल चाहिए और नए शेयर इशू करना चाहती है, तो स्वाभाविक अगर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो मेल जमेगा नहीं, तो इस केस के अंदर वो कंपनी या बैंक नॉन वोटिंग टाइप के प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर सकता है ताकि वो एफडीआई लिमिट के अंदर वो काउंट नहीं होगा, उस प्रकार से वो गेम चलता है। शेयर स्प्लिटिंग जो चर्चा में रहा, एसबीआई के पहला ये था, एसबीआई का एक शेयर उसके ऊपर लिखा था 10 रुपए, मतलब उसका फेस वैल्यू या पार वैल्यू था 10 रुपीज, और ऐसा एक शेयर स्प्लिटिंग उन्होंने ऐसा किया कि भाई वो शेयर मेरे को वापस करो और मैं आपको 1 रुपए का एक ऐसे 10 शेयर दूंगा, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का शेयर स्प्लिटिंग। अब ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, फर्स्ट थिंग कि इन्वेस्टर को लिक्विडिटी मिल जाए, समझते हैं ये, इंफोसिस वाले अपने टॉप एग्जीक्यूटिव को वो स्टॉक ऑप्शन देते हैं, मतलब नौकरी का इतना पगार प्लस कंपनी के 5% शेयर मैंने आपको दिए, मान लीजिए मैं इस प्रकार से ज्वाइन करता हूं कंपनी और इंफोसिस बहुत बढ़िया कंपनी है जिसका एक शेयर की 1 लाख रुपए में बेचता है और मैं बीच में नौकरी छोड़ के चला जाऊं, तो आप समझो कि 1 लाख रुपए का एक शेयर ऐसा मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो काफी डिफिकल्ट है कंपेयर टू कि 100 रुपए का एक शेयर इसको बेचा उसको उस प्रकार से बढ़ा। तो यहां पे भी अगर जो फेस वैल्यू कम हो जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसको बेचना आगे आसान हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है फर्स्ट थिंग।
और इसी कारण रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, छोटे गांव शहरों के लोग भी आ जाएं और रिटेल पार्टिसिपेशन के जरिए वो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट और वो पूरी बात जो हम समझे थे। एमसीक्यू के लिए याद ये रखिएगा, शेयर स्प्लिटिंग करने से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है वो हम आगे देखेंगे सेंसेक्स कैलकुलेशन। एंड सेकंड थिंग कि इससे कंपनी की वैल्यू भी नहीं बढ़ती है। क्यों? वो तो 10 रुपए जो था टुकड़े करके वापस भी 10 रुपए ही है, तो मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा और कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी, ये दोनों सेम टू सेम ही रहेंगे जो पहले चल रहा था। तो इस प्रकार से हमने बात करी बॉन्ड की, एक्विटीज की, अब जो बात करनी एडीआर जीडीआर ये सारी चीजें, एडीआर से समझे बात। विजय माल्या और इनकी किंग फिशर भारत के अंदर लिस्टेड कंपनी, किसी शेयर मार्केट में उनका पूरे शेयर वगैरह बिक रहे हैं। सपोज वो चाहते हैं कि मैं अपने शेयर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जैसे नास्डेक वगैरह में जाके बेचूं, बराबर। अगर उन्होंने ऐसा करना है तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने सेबी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना था, अमेरिका में जाके उनका एसईसी है उसको पूरा करना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो पान कार्ड और डीमेट अकाउंट सिस्टम है ऐसा जो भी वहां चल रहा है वो सब रजिस्टर करवा के ऑफिस बनवानी पड़ेगी, ये वो। अगर वो सारा तामझाम नहीं करना है और फिर भी वहां के शेयर मार्केट से आपने फाइनेंस उठाना है तो आप क्या करोगे? फॉर दैट यू कैन यूज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये क्या चीज है समझते हैं? मालिया ये करेंगे अपनी भारत के शेयर रुपी नॉम के अंदर जो होंगे 10 रुपए का एक वगैरह, वो सारे शेयर वो दे देंगे किसी वहां के इन्वेस्टमेंट बैंकर को, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका ये करेगा कि ये 10 शेयर के अनुपात में मैं अपना एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इतने डॉलर में इश्यू कर रहा हूं, तो वो एडीआर पूरे फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रख दिए जाएंगे। आर्नोल्ड मान लीजिए कि वो एडीआर खरीद लेता है, तो जब माल्या अपना डिविडेंड इश्यू करेंगे तो भारतीय निवेशकों को रुपए में देंगे, इसको कहां पे देंगे? डॉलर में देना पड़ेगा डिविडेंड, बराबर। तो इस प्रकार से ये गेम चलेगा। टेक्निकली बोलना हो तो एडीआर या जीडीआर क्या है? डीआर मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आपने अपने शेयर कहीं पे डिपॉजिट करवाए उसके अनुपात में वो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने नई रिसिप्ट इशू करके शेयर मार्केट से आपको पैसा उठवा के दिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा किंग फिशर को नास्डेक से करवाना हो तो वो बैंक ऑफ अमेरिका के पास जाएगा वगैरह वगैरह। अगर यही खेल हमने अमेरिका में करना था तो एडीआर था, अगर यूरोपियन यूनियन में जाके करना है वहां से मार्केट से पैसे उठाना है तो हम ऐसा काम करें तो उसको बोलते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बराबर। सबसे पहला जीडीआर भारतीय कंपनी अगर कोई गई हो तो रिलायंस 92 में और इन्फोसिस 99 में एडीआर इशू करके अमेरिका गई थी। बजट के अंदर जेटली ने यह बोला कि यहां पे हम कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि भारतीय कंपनियों को बाहर से फाइनेंस लाने में सुविधा हो, और उसके विपरीत भारत के अंदर भी ऐसी कोई सिस्टम हम रिफॉर्म करके लाएंगे, समझते हैं। आर्नोल्ड ने कोई मूवी कंपनी बना ली, अमेरिका में है और वो चाहता है कि मैं भारत के शेयर मार्केट से भी पैसा उठा के जाऊं कोई फाइनेंस में, तो वो क्या करेंगे? इनको भी अब सेबी से परमिशन और पैन कार्ड डीमैट की पूरी टेंशन लेना नहीं है, वो अपने अमेरिकन शेयर दे देंगे किसी इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकर को, बराबर, और उसके अनुपात में वो बैंकर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट अपने स्टॉक एक्सचेंज पे ये दलाल सीट वगैरह में वो इश्यू करेगा। माल्या ने वो खरीद लिया तो भाई है, फिर जब डिविडेंड इशू होगा तो आर्नोल्ड अपने अमेरिकी इन्वेस्टर को डिविडेंड देगा डॉलर्स में और माल्या को दिया जाएगा रुपीज में। तो ये आईडीआर भारत डिपॉजिटरी ये चीज क्या है? 2004 के अंदर परमिट किया गया आईडीआर, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन और ये गाइडलाइंस वगैरह तो पॉपुलर नहीं था। अब तक केवल एक ही आईडीआर इशू हो पाया वाया स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एमएस साहू पैनल बनाई कि भाई देखो क्या तकलीफ है और क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। उसने बोला साहू ने कि एक आप नया स्कीम लाओ भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट BHDR, उसके अंतर्गत ही आर्नोल्ड चाहे तो अपने भारतीय इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपने शेयर दे और वो सामने ये रिसिप्ट इशू करे और सारा काम चलेगा। ये जो अभी चल रहा है आईडीआर वाला मैकेनिज्म, इसको इसका एक सब पार्ट बना दो और आगे चल के मर्ज कर दो। और ये भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऐसा नहीं कि केवल शेयर के लिए, अगर उसको बॉन्ड भी इशू करना है तो इस प्रकार से उसको अनुमति दे दीजिए, मतलब डेब्ट और इक्विटी दोनों टाइप के फाइनेंस में। सेकंड फिर वो टेक्निकल में गया कि इस पे रेगुलेशन कौन करेगा, केवल सेबी और किसी की जरूरत है नहीं। फिर उसके दो लेवल बताए गए कि लेवल वन में सोफिस्टिकेटेड, इतना टेक्निकल भी जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर भी चाहे तो भारत के अंदर आईडीआर खरीद सके, ऐसा परमिशन उनको दो। ये सब पूरा खेल करने की जरूरत क्या है? वंस अगेन रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है ताकि ये जो गोल्ड और रियल एस्टेट में अपना जो मोह चल रहा है वो थोड़ा कम हो, कुछ जनता आके आईडीआर खरीदे, उसको पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट दिखे और ये पूरी इकोनॉमी थोड़ी और ढंग से चले।
बॉन्ड इक्विटी देख लिया, आईपीओ बोनस वगैरह देख लिया, एडीआर जीडीआर ये सब देखा हमने। आगे हम बात कर लिए म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।